ऐसे जब 20 साल पहले मैं खड़ा हुआ था ऐसे किसी ऑफिस में जाके, तो मुझसे पूछा गया था कि क्या है, किसी डायरेक्टर के असिस्टेंट ने पूछा था क्या है, मैंने कहा एक्टर है, बोले दिखने से तो लगते नहीं हो एक्टर हो। तो क्या होता था कि इंडस्ट्री में हमेशा ये चलन था कि एक्टर हीरो जो होता है वो 6 फुट का होता है और गोरा होता है और लंबा चौड़ा बल्ले छल्ले होते हैं। मतलब हम तो बस ऐसे ही चले गए थे, ऐसा समझता था वो। और शिप्रा मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं इस चीज का कि मेरे खुद के रिश्तेदारों ने भी जब मैंने उनसे इच्छा जाहिर की कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं, तो उन्होंने भी मुझे डीमोरलाइज किया कि पहले शक्ल तो देख ले अपनी, क्योंकि 5 फुट का छोटा पतला दुबला सा आदमी, काला कलूटा, मुझे खुद को पता नहीं था कि इंडस्ट्री में मेरा क्या हाल होगा। बट एक जिद थी, और हजारों लाखों मतलब सालों साल से इंडस्ट्री में सिर्फ यही चलन था कि एक्टर तो हीरो तो जो है ऐसा होता है। लेकिन सब ऑड सिचुएशंस के बावजूद भी गए, लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में थी कि जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना है, तो अलग क्या करूं, अलग क्या होना चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत थी। जो मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आके ट्रेनिंग ली, 3 साल मैंने एक्टिंग की पढ़ाई की वहां पे, और अपनी एक क्राफ्ट के बारे में समझा कि एक्चुअली इस पर्सनैलिटी में अगर मैं लोगों को इम्प्रेस करना चाहता हूँ, उसके लिए एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, या जो भी आप काम कर रहे हो उसमें क्राफ्ट, उसका एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही हवा में नहीं कि जैसा पहले होता था, अरे यार तो बहुत खूबसूरत दिखता है, फिल्मों में जाके काम करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं। किसी चीज़ को बारीकी से जानना, उसके लिए ट्रेनिंग की, एक्सपर्ट्स की, एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। तो मैंने ट्रेनिंग ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, और 2000 में मैं पहुंच गया मुंबई। मुंबई पहुंचने के बाद जब हम किसी ऑफिस में जाते थे, आई थिंक उससे पहले चलन नहीं था बिल्कुल भी, हम लोग गए जैसे मैंने बताया कि ऑफिस में खड़े हो गए, भाई हम एक्टर हैं काम दोगे क्या, तो बोले पहले हुलिया तो देख अपना तू। तो ये हर बार सुनने के लिए मिलता था, और वो बात भी सही थी, क्योंकि उससे पहले कभी कोई आपने देखा नहीं होगा कोई इतना बड़ा, कोई इतनी सी पर्सनैलिटी का, 5 फुट 6 इंच का आदमी, पतला दुबला सा, मरियल सा, कि कभी ये इस तरह के लोग एक्टर भी बन सकते हैं, हीरो भी बन सकते हैं, स्टार भी बन सकते हैं, ऐसा चलन था ही नहीं। मैं कॉन्फिडेंट था बिकॉज ऑफ माई ट्रेनिंग, मैंने ट्रेनिंग ली थी और अपने क्राफ्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानता था मैं, और उस चीज का सिर्फ कॉन्फिडेंस था मुझे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या 10 साल या 20 साल या 30 साल, 30 साल के बाद नंबर जरूर आएगा मेरा। मैंने कभी भी अपने को टारगेट नहीं किया, टारगेट नहीं दिया मैंने कि अगर 2 साल ट्राई करके देखता हूं, उसमें अगर हो गया तो ठीक है, वरना कोई दूसरा फील्ड अपना लूंगा, ऐसा कभी नहीं। जिस चीज का पैशन होता है, जज्बा होता है, अगर आप दिल से चाह लो ना, तो पूरी दुनिया झुक जाती है उसके ऊपर, उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात एक हो जाती है कि इस आदमी की जिद के लिए, इस आदमी की जिद के आगे झुकना पड़ेगा, और पूरी दुनिया झुकती है आपकी जिद के आगे। लेकिन आपको जिद्दी होना पड़ता है, आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं, क्योंकि ये आपने चाहा है। परीक्षा देनी पड़ती है आपको, जितना बड़ा इम्तिहान होगा उतनी बड़ी परीक्षा भी देनी पड़ेगी, आसान काम नहीं है। छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे तो छोटों में निपटारा हो जाएगा, हमेशा अपने आप को टारगेट बढ़ा दो, तो उसके लिए हमेशा अपने आप को अनकंफर्ट जोन में डालो कि जो पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करने की शिद्दत, पैशन आपके अंदर होना चाहिए, वो हो जाता है। आज जो दुनिया में इतने सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, ये सिर्फ इसी बिना पे हुए हैं, पागलपन के जरिए ही हुए हैं ये सारे एक्सपेरिमेंट। एक मैंने कहीं सुना था कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फेलियर भी होते हैं, कई बार फेलियर होते हैं, कोई एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कोई एक चीज करने के लिए बहुत बार हमने भी झेला है, बहुत बार फेलियर हुए हम लोग, लेकिन एटलीस्ट हमें
इतने सारे फेलियर होने से इतने तरीके पता चले कि इन तरीकों से सक्सेस नहीं मिल सकती। फॉर एग्जाम्पल, एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया तो 100 बार एक्सपेरिमेंट किए अपनी जिंदगी में। 100 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब उसको पता चला कि अरे फॉर्मूला तो ये था बल्ब बनाने का, तो एटलीस्ट उसको ये, उसके साथ साथ उसको ये भी पता चला कि 100 जो तरीके हैं, 100 तरीकों से बल्ब नहीं बनता, ये भी पता चला उन फेलियर्स में उसको। जब हम लोग मुंबई आए तो हमें मालूम था हमारे पास पर्सनैलिटी नहीं है, हमारे पास बैक नहीं है, या हमारे फादर दादा परदादा तो फिल्म इंडस्ट्री में है नहीं, हम ही हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। इसलिए लोगों के बीच में घुसे रहते थे, आम लोगों के बीच में घुसे रहते थे, उनका एक्सपीरियंस सुनते थे, उनको ऑब्जर्व करते थे। तो आई थिंक मेरे पास 10-12 साल तक कोई काम नहीं था। जैसे आपने बताया कि बहुत ही 10-10 सेकंड के रोल करके घर में आके बैठ जाता, पूरे साल खाली बैठे रहते थे हम लोग। लेकिन एक चीज थी कि लोगों के बीच में रहते थे। लोगों के बीच में रहने से ये एहसास हुआ हमें कि तरह तरह के लोग हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही तरह की एक्टिंग होती है। हजारों करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन एक्टिंग सिर्फ एक ही तरीके से होती है हमारे यहां। तो मुझे लगा यार, ये मैं तो ट्रेन भी हूं, मुझसे अपनी आर्ट भी आती है, और हजारों लोगों को मैं ऑब्जर्व भी कर रहा हूं, तो ये तो सबसे अच्छा सूत्र है। इससे तो मैं बहुत कुछ कर जाऊंगा। तो जब ये सूत्र पता चला मुझे कि अब मैं ये जो हजारों लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया है, अब जब भी मुझे कोई रोल मिलेगा उन्हीं में से वो एक इंसान होगा, उसी में वो ठाकरे बाड़ा साहब ठाकरे होंगे, उसी में मंटो होगा, उसी में गणेश गायतोंडे होगा, उसी में फैजल खान होगा, उसी में माजूमदार साहब होंगे। तो इस तरह के ये कब हुआ? जब मैंने हमने लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, लोगों के बीच में रहे। मैं 15 साल के बाद जो मेरी लाइफ थी जिसमें खाने तक को नहीं मिलता था, अब फॉर्चुनेट अपने आप को समझने लगा था कि थैंक गॉड कि मुझे ऐसे ऐसे लोगों के बीच में मुझे रहने का मौका मिला। तो कभी भी आई थिंक, मुझे लगता है कि कभी भी जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो ना, वो एक मौका होता है आपके पास, वो एक चांस होता है आपके पास कि कैसे उसमें आप अपना ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस, जब आपको काम मिलेगा वो उसमें लगाएंगे आप। तो मेरी लाइफ बहुत ही, आज जब मैं सोचता हूं कि यार ये तो बहुत ही अच्छा हुआ था जो 15-10-12 साल मैंने बिना काम के गुजारे, जो लोगों के बीच में रहा था मैं, आज वो काम आ रहा है मेरे। जहां जरा सा कोई कैरेक्टर मिलता है तो आदमी इसलिए कनेक्ट करता है उनसे कि उनको लगता है कि यार ये तो मेरे पड़ोस का ही, आसपास का ही ये बंदा, मैंने देखे हैं इस तरह के लोग। आई थिंक यही हमारी सबसे बड़ी जीत है एज एन एक्टर। ऑफ कोर्स स्ट्रगल में बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, क्योंकि खुजली आपको हुई है, आप ही को मिटानी पड़ेगी। आप जो आप हैं वो आपने बनना चाहा था, और अगर डिसअपॉइंटमेंट आ रहे हैं तो आप तो कंप्लेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही ने चाहा था ये बनना। तो बस यही था कि 10-12 साल तक मैंने सोचा था, 10-12 साल जब स्ट्रगल हो गए तो मेरे बहुत ज्यादा वो भी हुआ कि यार छोड़ के चले जाते हैं, कुछ काम मिल नहीं रहा, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं, आई डोंट नो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। फिर ये होता था कि नहीं, मेरी मदर जो है ना एक लेटर लिखती थी मुझे हमेशा, तब मोबाइल वोबाइल नहीं आए थे, पेजर आए थे, तो पेजर यहाँ पे लगा के चलते थे हम लोग। जब उनको मालूम हो जाता था कि भाई बंदा जो है ना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में है, डिप्रेशन में है, क्योंकि काम नहीं मिल रहा, तो मेरी माँ मुझे एक लेटर लिखती थी, उस पर लिखती थी कि लिखने के बाद एक लास्ट में लिखती थी कि 12 साल में कचरे के दिन भी बदलते थे, तू तो इंसान है, तू तेरा दिन भी बदलेगा।
तो उन सब चीजों को देख के कोई एक शेर, कोई एक कोटेशन, कोई इस तरह की जो मोटिवेशन मोटिवेट करती है, जो लाइन्स आपको, उनका रहना, उन पे बिलीव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वही चीज़ आपको मोटिवेट करती है आगे बढ़ाने के लिए। और जब ख़राब वक्त होता है आपको, वो लाइन्स, वो पोएम्स, वो सारी चीज़ें आपको संबल देती हैं, मजबूती देती हैं, ताकत देती हैं। और मैं जिस गांव से आया था, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर के एक छोटा सा गांव था बुढ़ाना, जब हमने शुरुआत की थी वहां पे, जब मैं था वहां पे लाइट भी नहीं थी। एक घंटे के लिए रात में कभी आ गई, या एक महीने के बाद हल्का सा मुंह दिखा के चली गई, इस तरह की लाइट इस तरह होती थी। वही लैंप में पढ़ना स्टार्ट किया लैंप। तो छोटे से गांव से आने के बावजूद फिर दिल्ली, हमारी दिल्ली मतलब छोटा सा, उससे बड़ा शहर भी हमें ऐसा लगता था पता नहीं क्या है, मतलब डर लगता था। मैं जब मुंबई में आया था तो मैं 15 दिन तो घर से बाहर ही नहीं निकला था, क्योंकि इतनी स्पीड देख रहा था मैं कि इतनी स्पीड में तो हम चल ही नहीं पाएंगे, इस शहर के साथ शायद हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। तो इस तरह के डर थे। लेकिन ऐसी जगह पे आ गए थे कि अब जाना भी मुश्किल था, तो मतलब वापस नहीं जा सकते थे। वापस इसलिए नहीं जा सकते थे कि बहुत सारे डर थे। वापस अगर चले गए तो थिएटर के जो मेरे दोस्त थे वो बोलते, क्यों भाई वापस आ गए तुम भी, जैसे बहुत सारे लोग वापस आ रहे थे, तुम भी वापस आ गए, चलो लग जाओ ठीक है। गांव में इसलिए नहीं जाता था अपने कि जो पहले ही बोलते थे वो लोग के शक्ल तो देख ले, फिर हार के उनके सामने चला गया तो क्या बोलेंगे वो, हमने वो तो वही बोलेंगे कि हमने तो पहले मना किया था कि मत जाओ, क्या सूरज शक्ल थोड़ा ही थी तुम्हारे स्टार बनने की, एक्टर बनने की। तो ये बहुत सारे डर थे जिसकी वजह से मैं अपने ना तो गांव जाता था, ना जहां से ट्रेनिंग ली थी दिल्ली से, ना वहां जाता था। मैंने जो भी है मरना जीना मुंबई में ही होगा। रही बात सक्सेस की, सक्सेस अगर 30 साल बाद भी मिलेगी उसके लिए भी मतलब तैयार रहना चाहिए। सक्सेस की कोई डेट नहीं होती, कोई तारीख नहीं होती, कोई टारगेट नहीं होता कि इतने दिनों में मिल जाएगी। इंसान का काम होता है, आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि लाइफ ना हमेशा अपने आप को लाइफ में पुश करते रहो, और पैशन, पैशन के साथ जिस भी आप काम में हो, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें पैशन, पैशन के साथ लगे रहना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि पैशन से क्या होता है, जिस भी आप फील्ड में होते हैं उसकी डिटेल्स, डिटेलिंग्स मिलनी शुरू होती है। जैसे जब आप समंदर में देखते हैं, समंदर की जब गोता मारते हैं, नीचे जाते हैं, तो आपको एक धीरे धीरे बहुत कुछ दिखाई देना शुरू, ऐसी आपका भी फील्ड है। कोई भी हर फील्ड ऐसा ही होता है, उसमें असीम संभावनाएं होती हैं, इतनी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आई थिंक दुनिया का हर काम में इतनी पॉसिबल, सिर्फ अगर एक दर्जी है पैंट सीता है, 1000 तरीके की पैंट सी सकता है वो, अगर वो चाहे तो। अगर उसने नहीं चाहा तो वो जो ट्रेंड चला रहा है वही सीता जाएगा। लेकिन अगर उसने चाह लिया कि मैं ऐसा कुछ करता हूँ, तो 1000 तरीके की पैंट उसी में 1000 तरीके की सी देगा वो। ऐसे हर फील्ड में पॉसिबिलिटीज बहुत होती है, और एक परफेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने ट्रेनिंग इसलिए ली कि परफेक्शन आ जाए अपने काम में। जैसे एक मैंने एग्जाम्पल सुना था कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये चूंकि मैंने बचपन में सुनी थी, उन पे दिमाग उन्हीं को अपनी लाइफ बना के आगे बढ़ा तो आज यहाँ पे, इसलिए वो छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आती हैं, उनको सुनना बहुत ज़रूरी होता है इंसान के लिए। बताते हैं कि एक बहुत बड़े, पता नहीं ये सच है झूठ है मुझे नहीं, इतना ज़्यादा नहीं मालूम, बट कोई बहुत बड़े इंसान हुए, लेकिन वो पहले मौची थे, जूता सीते थे, लेकिन जूता जहाँ से सीते थे ना वहाँ से कभी फटता नहीं था, वो भले दूसरी जगह फट जाए लेकिन वहाँ से नहीं फटता था, क्योंकि उसका पैशन था जूता सीना। काम भले वो है वो, लेकिन उस काम में भी उनका पैशन है। तो इसी वजह से वो इतने पॉपुलर होते चले गए कि यार जूता फट गया लेकिन सिलवाना वहीं जाके, क्योंकि वहां अगर उन्होंने सी दिया वहां पे, जिंदगी भर वहां से जूता नहीं फटेगा। तो छोटी छोटी चीजों में
ये जो परफेक्शन पैशन ये सारी चीजें होती है जो आपका आगे बढ़ाती है, बहुत आगे ले जाती है, लेकिन उसके वही है कुछ चीजों का होना वाकई बहुत जरूरी होता है। फिर एक्सपीरियंस आपका, आपकी नॉलेज, जैसे मेरा मानना है कि मैं कभी, मैं आई एम सॉरी टू से, बट मेरा खुद का मानना है कि मैं लक पे बिलीव नहीं करता हूं। मेरे सामने आज तक मेरी, मेरे सामने लकीली कोई चीज नहीं हुई कि मैं लकीली यहां तक पहुंच गया। आज जो आप प्रोमो देख रहे थे, जो क्लिपिंग्स देख रहे थे मेरी, मैं लकीली नहीं पहुंचा हूं यहां पे। मैंने उसके लिए मेहनत की है, मैंने उसके लिए नॉलेज इकट्ठी की है, मैंने उसके लिए ट्रेनिंग ली है।